ललदत्त स्कूल की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनफैक्ट एक तो ये बड़ा आइकनिक बिल्डिंग रहा है रिवर फ्रंट पर, दूसरा यहाँ जो ब्रेकडाउन ऑफ गवर्नेंस हुआ 90s में उसकी बड़ी ग्लेयरिंग मिसाल है। ये बिल्डिंग बुनियादी तौर पर बनी है उस एरिया में जो सीट ऑफ पावर था। इस बिल्डिंग के उस पार लेफ्ट साइड पर गवर्नर्स ऑफिस था, आगे दरबार हॉल था। अफगान पीरियड में प्रिलिमिनरी गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ जो फिर सिख दौर में और ख़ासकर डोगरा दौर में बड़ा एक्सपैंड हुआ। डोगरा दौर में गवर्नर्स ऑफिस जो आज डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस है बना कटकल के कॉर्नर पर, उसके सामने एक बिल्डिंग बनाई गई कॉलोनियल स्टाइल की। ये बिल्डिंग बनाई थी ये एक डोगरा ऑफिसर रहा होगा, मेरे ख्याल में बड़ा सीनियर दरबारी रहा होगा, क्योंकि बिल्डिंग के डायमेंशंस और जो खर्चा बिल्डिंग पर हुआ है बनाते वक्त, उससे लगता है कि ये एक एफ्लुएंट आदमी होगा, इस जो एक रिसोर्सफुल आदमी होगा। यहाँ पर वो रहता था महाराजा हरि सिंह, ये उनका कजिन का है, ये मकान सुना है मैंने, वट एवर ही है या नहीं, लेकिन इसका नाम है रूप सिंह। तो ये रूप सिंह की प्रॉपर्टी थी। इस शख्स ने ये बिल्डिंग फिर 1908-09 के करीब श्रीनगर म्यूनिसिपल काउंसिल को दे दी, या कमेटी जो भी बनी थी। तो श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी का पहला ऑफिस जो हुआ वो इसी बिल्डिंग में एस्टैब्लिश हुआ। बिल्डिंग में खसूसियत ये थी इसमें ग्राउंड फ्लोर सादखाना था। इसकी जो सीढ़ी थी जो हमने देखी हुई है उस पर कहते हैं उसमें तो घोड़ा भी ऊपर थर्ड फ्लोर तक चढ़ता था। बिल्डिंग बहुत मजबूत थी, कॉलोनियल और वर्निकुलर मिक्स था, अर्थक्वेक प्रूफ था। एंट्री इस बिल्डिंग की थी दरिया की तरफ से, जिसका मतलब है अभी रोड ट्रांसपोर्ट दूसरी तरफ से बना नहीं होगा। दैट इज़ वाई वी आर डेटिंग इट अराउंड अर्ली 20th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी। उसने ये बिल्डिंग एजुकेशन पर्पजेज के लिए हिंदू एजुकेशन सोसाइटी को दे दी, जो तब तक कश्मीरी पंतों की एक एजुकेशन सोसाइटी बन चुकी थी। उन्होंने वहाँ एक स्कूल रखा, उस स्कूल का नाम हिंदू स्कूल रखा। उसके बाद 60s में ये बिल्डिंग हिंदू एजुकेशन सोसाइटी शीतलनाथ में हिंदू हाई स्कूल की बिल्डिंग बना दी। ये बिल्डिंग खाली हो गई। उसकी मैनेजमेंट कमेटी में उस वक्त और लोगों के अलावा दीनानाथ नाजिम साहब भी थे, बहुत मारूफ शायर रहे हैं, और उन्होंने ये फैसला किया कि मैं अब ये स्कूल चलाऊँगा। तो उन्होंने इस स्कूल का नाम ललदत्त स्कूल रखा। ललदत्त मेमोरियल इंस्टीट्यूशन, ये हिंदू इंस्टीट्यूशन का शौक था, तो ये बिल्डिंग चालू थी। तो बच्चों को मैंने पढ़ाया यहाँ, तो बच्चे यहाँ पढ़ते थे। फिर 90 जब मोहरान आ गया थे सारे निकल गए, फिर परेशानी हो गई। ललदत्त स्कूल चलता रहा, नाजिम साहब भी गुजर गए, फिर बहुत ख़राब हालत में हुई। तो जब हमने 2002-2003 में शुरू किया कश्मीर की लिस्टिंग श्रीनगर में हेरिटेज बिल्डिंग की लिस्टिंग का, तो हमें लगा कि एक बड़ा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, हमने इसकी डिटेल लिस्टिंग की। उस दौरान हमें पता चला कि ये बिल्डिंग बेची गई है। जब हमें कागजात हमने देखे, बड़ी मुश्किल से वो कागज़ भी मिले, उसमें भी ये पता चला कि वो जो राजपूत था उसके जो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन थे यहाँ के कुछ लोग, उस वक्त ये 90s के जिसके बैकग्राउंड का मैं जिक्र कर रहा था गवर्नेंस का, वो उनके पास चले गए। अंदाज़ा नहीं, सुनने में आया 15 लाख रुपये दिया गया। 15 लाख रुपये मुफ्त में ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को मिला, उन्होंने कागज़ सेल डीड कर दी, और सेल डीड एक ऐसे आदमी के नाम कर दी जो दरिया के पार रहता था, उसका कोई लकड़ी वगैरह का कारोबार था।
वो मकान है वो सामने, इसने ये खरीद लिया 12,40,000 का, अबाउट दैट इसने बोला मैंने 12,40,000 का ये मकान खरीदा है। हमें पता चला कि वो आदमी अब इस बिल्डिंग को डेमोलिश करना चाहता है। इस दरिया पर सरकारी बिल्डिंग्स के बाद गवर्नर्स ऑफिस के पास सबसे आइकनिक बिल्डिंग थी उस डायमेंशन की। हमने थोड़ा सा उसमें एहतजाज करना शुरू किया, हमने कहा साहब इसमें कोई ये गिराना नहीं चाहिए म्यूनसिपैलिटी को। हद ये हो गई कि म्यूनसिपैलिटी वालों को जब ये पता चला कि हमने अब कहा है कि इसको बिल्डिंग को नहीं गिराना चाहिए क्योंकि हमने इसको डॉक्यूमेंट किया था एज ए हेरिटेज ए स्ट्रक्चर, म्यूनसिपैलिटी ने ऑन देयर ओन इसको नोटिस निकाला, कहा साहब ये बिल्डिंग अनसेफ है, वो सिलसिला चल पड़ा। उन दिनों जो जिसने ये ख़रीदा था उसने कोई लोकल लोगों को साथ मिला के, वो जो 3 दिन थे इलेक्शन के श्रीनगर में कर्फ्यू लग गया था, उसने कोई लेबर लाए 40-50, रातों रात इसको डिमोलिश किया। कहते हैं कि उस डिमोलिशन में जितनी इसकी सिर्फ लकड़ी ऊपर थी छत के करीब, छत पर जो लकड़ी थी वो कोई 35 लाख के करीब बिकी। वी टुक इट अप एज अ चैलेंज, हमने कहा अगर ये एक मौका हमने हाथ से जाने दिया तो आगे कुछ यहाँ बचेगा नहीं। तो हमने ये बिल्डिंग एक्वायर की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, वो एक्वायर की इसलिए कि इसको एक कल्चर सेंटर में तब्दील कर लेंगे। तो फिर ये इनॉग्रेट बड़े अच्छी तरह से हुई। उन दिनों मिस्टर जोरा थे मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी दिलचस्पी दिखाई, मिनिस्टर कल्चर थे। लगता है कि बाद में हम लोग मतलब सरकार के लोग भूल गए कि ये एक इन्वेस्टमेंट उनकी थी, एक जज्बा था, एक प्रोग्राम था जिसके तहत इसको बनाया गया था। ओवरसाइट की वजह से ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ फिर ख़त्म हो गई, भूल गए लोग। शहर ख़ास के गणपतियार इलाके में वाक़ ये इमारत इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि वादी कश्मीर का माजी किस कदर ताबनाक था। ज़रूरत इस अम्र की है कि ऐसी तामीरात की हिफाजत को न सिर्फ सरकारी सतह पर बल्कि इनफरादी सतह पर भी तहफ़ फ्राहम किया जाए ताकि ये तामीरात आने वाली नस्लों के लिए महफूज रह सकें। गणपतियार श्रीनगर से GK Web TV के लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी।